महापौर सीताराम जायसवाल ने शनिवार को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त उत्तर प्रदेश कैंपेन के अंतर्गत आयोजित वृहद जन जागरण रैली को नगर निगम प्रांगण से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया है, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसको देखते हुए केंद्र व राज्य सरकार ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे पर्यावरण को खतरा पहुंचाने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने जीवन से बाहर निकाल कर फेंक दें। यह कार्य करके हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। शनिवार को NCC के छात्र व छात्राओं द्वारा रैली निकाली गई, जो कि पूरे शहर में प्लास्टिक न यूज करने के लिए जागरूक करेंगे। इस अवसर पर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, NCC के छात्र व छात्राएं सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, समझ गया पूरी। तो आज की जो रैली है हमारी, इसी के ऊपर आधारित है। हम लोग यहाँ से एक रूट है जो हमें मिला है, जो हम यहाँ से इस रूट से लेके जाएंगे और पूरे को जागरूक करेंगे। खुद जागरूक हुए और खुद आप लोग को हम लोग जागरूक दूसरों को करेंगे, और आने वाले में ये एक वन टाइम मेजर। उसी तरह पॉलिथीन के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान सरकार चला रही है, हमारा सबका फर्ज। आप भी सब लाइन में हो जाओ, सब तो उधर पता रहे सभी को, ये दूरदर्शन वाले हैं आप लोग, ये इसको कवर कर रहे हैं आपको नेशनल न्यूज़ में। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि आप लोग सरकार का साथ दीजिए, और इसके खिलाफ बिल्कुल कड़ी से सरकार कार्रवाई कर रही है। इसमें जुर्माने के तमाम प्रावधान है। अगर 100 ग्राम का एक बैग मिलता है, कितना है साहब? 1,000। ये इसका जो फाइन है 100 ग्राम पे 1,000 से स्टार्ट है, 1,000 से, फिर 2,000, फिर 5,000, फिर 10,000 और फिर 25,000। अगर 5 किलो हमने पॉलिथीन पकड़ी तो 25,000 बस ये इसका जुर्माना हम लोग लगाते हैं और साथ में इसको जब्त करते हैं वहां से लेके। इसका तुमने पता है ये पॉलिथीन बनती कैसे? कोई एक आदमी बताए, बोलो किसी को पता है पॉलिथीन बनती कैसे? किसने पढ़ी है बताओ साहब, आपको को पता है? जितने साइंस ग्रेजुएट है तुम्हें, कोई साइंस वाले कितने बच्चे हैं? ये पेट्रोलियम का एंड प्रोडक्ट है, तेल बनता है, तेल लेकर पेट्रोल बनता कैसे ये बताओ, डीजल बनता कैसे? कोई एक आदमी, कोई बच्चा बताओ। थी पहले रेगिस्तान भी कभी हरियाली वाला देश होता था, आज वो रेगिस्तान क्यों गया? कि उस सब की समंदर चली गई और वो तेल उसी से तेल निकल रहा है। तो ये जो ये है एक एंड प्रोडक्ट है उसका, पॉलिथीन का मतलब जो प्लास्टिक का, उसी से ये पॉलिथीन बनती है। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो ये बड़ा अभियान सरकार ने चलाया है और गोरखपुर में नगर निगम इस पर अभियान चलाता है। ये परिवर्तन दल की टीम है, ये हमारी टीम है, मैं उसको लीड करता हूँ और हमारे यहाँ सब के सब इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो इस पर चलान का प्रावधान है, अभी नया जो प्रावधान आया है, 1 साल उसके 7 साल की जेल और 1,00,000 रुपया। जो उसका प्रोडक्शन करेगा उसके खिलाफ क्या होगा? 7 साल की जेल और 1,00,000 रुपया जुर्माना। तो ये बारिश का समय है, हमारे मेयर साहब आ गए, एक तरफ से बोलो सर आपको ज्वाइन करेंगे। दोनों
चुनाव जी चलो सर सर जोश कैसा है आई सर नो आओ तो जोश आई सर चलो चलो और बोलते जाओ से नो टू एक नारा देते जाओ से नो टू प्लास्टिक बोलो आवाज आनी चाहिए अरे अकेले मेरी आवाज आ रही है गोरखपुर ने जाना है राशि को हटाना है गोरखपुर ने जाना है राशि को हटाना है से नो टू राशि से नो टू राशि से नो टू चौकस गोरखपुर ने जाना है राशि को हटाना है बोलो बिल्डिंग का राशि को हटाना है से नो टू राशि टू राशि क्या निकल रहा है प्लास्टिक से मुक्त कराना है हेलो ओपी भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसको देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रहा है। हर नागरिक की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे पर्यावरण को खतरा पहुंचाने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने जीवन से निकाल बाहर करें। इस तरह से करके हम धरती को बचा सकते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं। आज नगर निगम की तरफ से NCC के बच्चों के द्वारा जागरूकता के लिए पूरे शहर में ये अभियान चलाया गया है। बैठ जाकर के जागरूक करेंगे लोगों को और बताएंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक से पर्यावरण को कितना खतरा है। इसी के तहत नगर आयुक्त हमारे सारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और इनके नेतृत्व में जुलूस निकाल कर लोगों को जागरूक करने के लिए काम किया जा रहा है। मैं सभी से कहूँगा इस अभियान में सहभागी हों।